दशक चुके हैं। भारत की सेंटर की सरकार करनी है, क्या जी पब्लिक जिन्नी भी इतने पहुंची है असि सारे की तरफों श्री रमन भल्ला ज्यादा नहीं बोलता है। ये आखा की 26 तरीक वोट पाना है, तुसे हाथ के निशान पर बटन दबाना है और मेरे माता पिता चेता रखियो। बड़े अच्छे तकलीर कर रहे सर, सानू तुहाडे पर पूरा भरोसा मान, सानू बुलाण की जरूरत नहीं, कम से कम तुसीं आखदे हो कल्ले ही जांगे, तुसीं फोन ही करदे तां वी रबड़ बदला दिंदा नहीं कि जाए किसी बिना जाए, डेपुटेशन की जरूरत ही नहीं। जम्मू रियासी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, कठुआ और उधमपुर की अगर सीट की बात करें तो किस तरह की उम्मीद है, क्या कैसे देखते हैं? गठबंधन की सारी सीटें जीतने की उम्मीद की बात नहीं है, यकीन है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया कि तानाशाही सरकार को जम्मू कश्मीर से तो बाहर निकालना, कोशिश करेंगे पूरे हिंदुस्तान में ये क्रांति की लहर चल रही है, मीडिया दिखाए या ना दे, लेकिन तूफान के तरीके से लोग विपक्ष का को काफ़ी सराहना उसकी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी राहुल गांधी जी की आपने यात्रा देखी, करोड़ों के लिहाज से लोग वहाँ पे समर्थन के तौर पे वहाँ पे जुटे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी जिस ढंग से हम रोड शो कर रहे हैं, लोग घरों से बाहर आके खुद समर्थन कर रहे हैं कि भाजपा को इस दफा करारा जवाब देना है जिसने हमारी रियासत के टुकड़े कर दिए और हमें यूटी में तब्दील करते हुए हमारे से गवर्नर की पोस्ट भी छीन ली, डीग्रेड किया भाजपा ने, जिसके जम्मू के लोगों को डीग्रेड किया, आज उसको कोई हक नहीं बनता कि लोगों से वोट मांगे, लोग अपना मन बचा चुके हैं। और जहाँ पर जितेंद्र सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जो 12 ऑफिशियल लैंग्वेज को तरजीह जहाँ पे दी गई, वहाँ से हम लोग डोगरी से महरूम हैं। अब जितेंद्र सिंह जी जो डोगरी पगड़ी तो पहनाते हैं, तो लोग डोगरी भाषा को किस ढंग से प्रोत्साहन करें वहाँ पे भूल गए। पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियली एक बरादरी का नहीं, एक बहुत बड़ा योगदान इसका होता है, तो उससे भी लोग महरूम हैं। ऑफिशियली स्कूलों से पंजाबी गायब कर दी, तो हर तबके जो नारा इनका था सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं वो धुंधला दिखाई देता है, लोगों ने मन बना लिया कि इसको बदलाव करना है। कितना लोगों का जो साथ है वो आपको मिल रहा है, लगातार आप ताबड़तोड़ रैलियां जो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कितना सहयोग मिल रहा है? हमारा ही सहयोग मिल रहा है, बाकी तो वो सिर्फ अपने कागजों तक सीमित है। जहाँ जगह पे जा रहे हैं लोग खुल के समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, इरादे मजबूत है और नीयत भी साफ है, और हम हमारी नीयत भी साफ है, नीति भी साफ है, इसलिए हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप ज्यादा बात? लोकल मुद्दे तो हैं, देश के मुद्दे हैं, वो देश का मुद्दा तो हमारी सेंट्रल लीडरशिप उठा रही है, चाहे वो लद्दाख हो या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका हो, टेररिज्म क्रिएट करने वाले लोगों जो बोलते थे कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और अभी भी आप हाल भी 2-3 दिन पहले देखा आपने नॉन लोकल के खिलाफ किस तरह टेररिस्ट अटैक यहाँ पे कर रहे हैं, ड्रोन का अटैक है, नशे की तस्करी है, स्कूल 3500 स्कूल यहाँ पे बंद हुए, लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी से महंगाई से जूझ रहे हैं, कहीं पे रात नहीं, रेत और बजरी को लेके लोग चिंतित हैं, 500 रुपये की ट्राली थी, अब कहाँ पे पैरामीटर है, कौन रोक रहा है, डबल इंजन का प्रशासन है भाजपा, क्या नेक्सस यहाँ पे है, मंदिरों के शहर को शराब की तब्दील शहर में तब्दील कर दिया, कौन जुम्मेवार है, प्रशासन चुप क्यों है, स्मार्ट मीटर के लिए पूरी दुनिया ने तराई तराई कर दी, तो प्रशासन चुप क्यों है, किसके बारे में रिव्यू क्यों नहीं किया जाता, ये सब मुद्दे हैं जो लोगों को बीच में जाते हैं, लोगों के दिलों को छूने वाले मुद्दे हैं, लोग भरपूर सहयोग दे। इंडिया ब्लॉक सरकार बना पाए? आप देखो, अब थोड़ी देर का इंतजार करो, हम EVM के भरोसे नहीं, लोगों के भरोसे हैं, लोग बदलाव करेंगे। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।